Hello everyone and welcome to our online classes. I am Kaushalya Vaishnav and today we will continue the previous part. So आज हम chapter 5th का part 2 करेंगे. Part 1st में हमने क्या पढ़ा था कि coal के साथ साथ कुछ important products होते हैं जो obtain होते हैं. अब ये important products क्या थे? Coke, coal tar and coal gas. तो सबसे पहले हम बात करेंगे coke के बारे में. It is a tough पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस. ये क्या होता है? एक ब्लैक कलर का हार्ड जिसमें पोर्स होते हैं, ऐसा सब्सटेंस होता है. इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. ये कार्बन की प्योर फॉर्म होती है. कोक इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स. इसका यूज कहाँ किया जाता है? स्टील को मैन्युफैक्चर करने में और जो मेटल्स हैं उनका एक्सट्रैक्शन करने में कोक का यूज किया जाता है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? कोल टार. इट इज़ ए ब्लैक थिक लिक्विड विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल. ये कैसा सब्सटेंस? एक ब्लैक कलर का जो क्या होता है, एक लिक्विड की फॉर्म में होता है, लेकिन लिक्विड कैसा होता है? थिक यानी कि गाढ़ा. और इसकी स्मेल कैसी होती है? अनप्लीजेंट, जो हमको अच्छी ना लगे, ऐसी स्मेल होती है. इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस. और ये मिक्सचर किसका होता है? 200 सब्सटेंसेस का. प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार आर यूज एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैनुफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस यूज इन एवरी डे लाइफ एंड इन इंडस्ट्रीज. अब जो भी प्रोडक्ट कोल टार से बनाए जाते हैं उनका यूज कहाँ किया जाता है? कई सारे सब्सटेंसेस बनाने में किया जाता है. अब ये कई सारे सब्सटेंसेस हम कहाँ यूज करते हैं? हमारी एवरी डे लाइफ में यूज करते हैं, और कई सारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें भी इन सारे के सारे सब्सटेंसेस का यूज होता है. अभी सब्सटेंसेस है क्या? तो लाइक सिंथेटिक डाइज है, ड्रग्स है, एक्सप्लोसिव्स है, परफ्यूम्स है, प्लास्टिक्स है, पेंट्स है, फोटोग्राफिक मटेरियल है एंड रूफिंग मटेरियल्स. ये सारे के सारे सब्सटेंसेस किससे बनाए जाते हैं? कोल टार से बनाए जाते हैं. एंड इंटरेस्टिंगली नेफ्थलीन बॉल्स यूज टू रिपेल मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार. अब इंटरेस्टिंगली बात क्या है हमारे पास कि जो नेफ्थलीन बॉल्स हैं इनका यूज हम कहाँ करते हैं? जो भी कीड़े मकोड़े यानी इंसेक्ट हैं उनको भगाने के लिए हम नेफ्थलीन बॉल्स का यूज करते हैं. लेकिन ये जो नेफ्थलीन बॉल्स हैं इनमें भी किसका यूज होता है? कोल टार का. तो कोल टार का यूज कहाँ होता है? सिंथेटिक डाइज बनाने में, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, फोटोग्राफिक मटेरियल एंड रूफिंग मटेरियल्स के अलावा नेफ्थलीन बॉल्स बनाने भी कोल टार का यूज होता है. दिस डेज बिटुमेन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट. एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिसका क्या नेम है? बिटुमेन. इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज कहाँ पे किया जाता है? कोल टार की जगह पर किया जाता है रोड्स को बनाने में. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कोल गैस. कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक. जब कोयले से कोक बनाया जाता है तो इस प्रोसेस में क्या ऑब्टेन होती है? कोल गैस. एंड इट इज़ यूज एज ए फ्यूल. और इसका भी यूज कहाँ होता है? एज ए फ्यूल इसका यूज करते हैं. कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंडन इन 1810. 1810 में लंदन में सबसे पहले कोल गैस का यूज किया था. कहाँ किया था? स्ट्रीट लाइटिंग में. एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820 में न्यूयॉर्क में भी इसका यूज किया गया था. नाउ अडेज, लेकिन आजकल इसका यूज कहाँ होता है? इट इज़ यूज एज ए सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट. लेकिन आजकल इसका यूज लाइट की बजाय किसके यूज में होता है? इसका सोर्स ऑफ हीट में इसका यूज होता है. इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट. अब ये जो कोल गैस है ये कहाँ पर इसका ऑप्टन, ये कैसे होती है? जब कोल से क्या बनाया जाता है? कोक बनाया जाता है, तब ये कोल गैस ऑप्टन होती है. अब ये कहाँ पर इसकी इंडस्ट्रीज होती हैं? तो जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट है वहाँ पे इनकी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज पेट्रोलियम. यू नो दैट पेट्रोल इज यूज एज ए फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल्स, स्कूटर एंड कार्स. हम ये जानते हैं कि हम पेट्रोल का यूज़ ऐसे फ्यूल करते हैं. किसमें करते हैं? लाइट ऑटोमोबाइल्स में, जैसे कि मोटरसाइकिल्स हैं, स्कूटर्स हैं, कार्स हैं. सो हैवी मोटर व्हीकल्स में हम किसका यूज़ करेंगे एज ए फ्यूल? डीजल का. सो हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल. अब जो हैवी मोटर व्हीकल्स है ये किस पे चलते हैं? डीजल पे.
So petrol and diesel are obtained from a natural resource called petroleum. अब petrol और diesel दोनों ही हमें एक natural resource से obtain होते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, petroleum. The word petroleum is derived from petra and oleum. अब ये जो petroleum word है, दो word से मिलके बना है, petra and oleum. Petra means क्या होता है, rock, and oleum means क्या होता है, ऑयल. तो ऐसा ऑयल जो रॉक से निकाला गया हो उसे क्या कहेंगे, पेट्रोलियम. एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ एज शोन इन फिगर 5.4. अब ये जो पेट्रोलियम है वो कहाँ से माइन किया जाता है, अर्थ के नीचे जो रॉक्स होती है वहाँ से ये पेट्रोलियम माइन किया जाता है. डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म, क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है. सो इसके पीछे क्या स्टोरी है ये हम पढ़ते हैं. पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी. पेट्रोलियम कैसे बना था, जो सी है, ओशियन है, उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनसे पेट्रोलियम बना था. एज दिस ऑर्गेनिज्म डाइड देयर बॉडीज सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विथ लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ओशियन और सी में रहते हैं, जैसे ही वो डेड हुए तो उनकी बॉडी बॉटम में जाके सेटल हो गई और फिर उनके ऊपर लेयर जम गई सैंड और क्ले की, यानी कि सॉइल की लेयर जम गई. ओवर मिलियंस ऑफ ईयर एब्सेंस ऑफ एयर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. फिर ये डेड ऑर्गेनिज्म एयर के एब्सेंस में हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में, और ऐसे पेट्रोलियम फॉर्म होता है. अब फिगर 5.4 गिवन है हमको, उसमें क्या दे रखा है कि कैसे पेट्रोलियम और कैसे नेचुरल गैस का डिपॉजिट होता है. यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबव दैट ऑफ वाटर. इस फिगर में क्या दे रखा है कि जो पेट्रोलियम ऑयल और गैस की लेयर है वो वाटर की लेयर से अबव है. व्हाई इज इट सो, तो ऐसा क्यों होता है. रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विद इट. तो याद कीजिए कि हमें ये पता है कि ऑयल और गैस है वो वाटर से क्या होते हैं, लाइटर, हल्के होते हैं, इसलिए ये वाटर में मिक्स नहीं हो पाते हैं, इसलिए इनकी अलग सी लेयर फॉर्म होती है. जैसा इस फिगर में दे रखा है, यहाँ पे वाटर है, इसके ऊपर ऑयल की लेयर और इसके ऊपर गैस की लेयर है, तो ये दोनों ही इससे लाइटर है और इसमें मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए ये अपनी अलग सी लेयर फॉर्म कर रहे हैं. नेक्स्ट, इससे रिलेटेड फैक्ट क्या है कि द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल इन पेंसिल्वेनिया यूएसए इन 1859 में यूएसए के पेंसिल्वेनिया में इसका ऑयल का जो वेल फर्स्ट ड्रिल किया गया था. 8 ईयर लेटर इन 1867 ऑयल वॉज स्ट्रक एट माकूम इन असम. असम के माकूम में 1867 में, यानी कि लगभग 8 साल बाद ये पता चला कि वहाँ पर भी क्या है, ऑयल है. इन इंडिया ऑयल इज़ फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा. इसके अलावा हमारे इंडिया में ऑयल कहाँ पाया जाता है, तो गोदावरी कृष्णा रिवर के बेसिन में और मुंबई हाई, गुजरात और असम में ये ऑयल पाया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम इज ए डार्क ऑयली लिक्विड. तो पेट्रोलियम क्या है, एक डार्क कलर का ऑयली लिक्विड है. इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑर्डर, और इसकी स्मेल कैसी होती है, अनप्लीजेंट होती है. इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन वैक्स ईटीसी. इस पेट्रोलियम में कई सारे कॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल से डीजल है, लुब्रिकेंट ऑयल है, पैराफिन वैक्स है, etc. And the process of separating the various constituents fraction of petroleum is known as refining. और ये सारे के सारे पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूंट को सेपरेट करना, इसको क्या कहते हैं, रिफाइनिंग. इट इज़ कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी. और ये सारा काम कहाँ होता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में. अब इसके कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं और उनके जो यूजेज है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. तो अब हम आज का होमवर्क देख लेते हैं. तो होमवर्क में आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना है, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक एंड यूजेस ऑफ कोक. इसके बाद करना है 8, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. एंड 9, द फॉलोइंग टेबल शो द टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया फ्रॉम 1991 टू 1997.
शो द डेटा इन ए फॉर्म ऑफ ए ग्राफ। इसका एक डेटा आपको फॉर्म करना है। तो इसमें ये टेबल दे रखी है, आपको दो एक्सेस बनाना है, यहाँ लिखना है एक्स एक्सेस, यहाँ लिखना है वाई एक्सेस। यहाँ लिखेंगे आप ईयर 1991 एंड 1992, 1993, ऐसे आपको लिखना है यहाँ पे ईयर। यहाँ पे आपको लिखना है शॉर्टेज 7.1 से स्टार्ट करना है, लास्ट 11.5 तक लिखना है, उसका एक ग्राफ ड्रॉ करना है। अब 7th और 8th का आंसर क्या होगा एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। पेज नंबर 59 पे कोक में ये जो फोर लाइन दे रखी है, ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर में आपको क्या लिखना है, पेज नंबर 59 पे यहाँ पेट्रोलियम से स्टार्ट करना है आपको, यहाँ से लगाकर यहाँ तक नेचुरल गैस तक, ये है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। और इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन करना है, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सर्फेसिंग ऑफ रोड। तो इसके आंसर में आपको लिखना है बिटुमेन इज द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सर्फेसिंग ऑफ रोड्स, ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। तो होमवर्क में आपको 7th क्वेश्चन, 8th, 9th एंड सेकेंड क्वेश्चन करना है, 9th में आपको उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो दैट इज एनफ फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।